बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अहम है। हकूमत ने 58 सरकारी महकमों को एक माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने की मंजूरी दे दी है। इनमें वो महकमे भी शामिल हैं जिनको पहले कभी एजाजिया नहीं मिला। क्या आपका महकमा भी इसमें शामिल है, वो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। फिनांस डिवीज़न की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें स्केल 1 से 22 ग्रेड के तमाम मुलाजमीन को एक माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान किया गया है। यह डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ नाम आप इस नोटिफिकेशन में खुद पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका महकमा इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि 2021-22 सेशन जो कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है और 1 जुलाई से नया सेशन 2022-23 का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से 2021-22 के सेशन में ECC चेयरमैन ने बुनियादी तनख्वाह के बराबर बतौर एजाजिया देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद के मौके पर खसूसी तौर पर यह मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर इसको तमाम सरकारी महकमों पर लागू किया जाए तो इससे बाकी सरकारी मुलाजमीन भी ईद की खुशियाँ मना सकते हैं। यकीनन ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।